स्वागत करती हूँ आपका M4G न्यूज चैनल में। मेरठ में इन दिनों कैफे और रेस्टोरेंट के नाम पर हुक्का बाजारों में अश्लीलता चरम पर है। हुक्का बार के खिलाफ स्वतंत्रता दिवस की रात पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने एक हुक्का बार में छापेमारी करते हुए 50 से ज्यादा युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने भी जमकर हंगामा किया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही नौचंदी क्षेत्र में डगआउट कैफे में दो वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने हुक्का बार्स में लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद नौचंदी पुलिस ने कैफे के मालिक और मैनेजर सहित वायरल वीडियो में नजर आने वाले युवक को जेल भेजा था। तभी से हुक्का बारों को लेकर हिंदू संगठन लगातार लव जिहाद जैसी घटनाओं का आरोप लगा रही हैं और हुक्का बारों को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। ताजा मामला थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर नई सड़क का है, जहां कुछ हिंदू संगठनों द्वारा पुलिस से नई सड़क स्थित एक कॉम्प्लेक्स में स्पेरो हुक्का बार के नाम पर अश्लीलता परोसे जाने की शिकायत की। जब पुलिस ने हुक्का बार में छापा मारा तो वहां करीब 50 लड़के मौजूद थे और पार्टी कर रहे थे। छापेमारी के दौरान सभी युवक हुक्का व शराब का सेवन करते हुए नजर आए। सीओ सिविल लाइन संजीव देशवाल ने बताया कि छापेमारी के दौरान शराब की बोतलें, हुक्का व अवैध असलाह भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और हुक्का बार मालिक सहित इन सभी पर लॉकडाउन के उल्लंघन व अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है। मेरठ से संवाददाता ओमेंद्र तेवतिया के साथ अनुज कुमार की रिपोर्ट। सर, आज मेरे एक सूचना मिली है नौचंदी क्षेत्र के अंदर एक हुक्का बार टाइप से कुछ रेस्टोरेंट में गतिविधियां सामने आई हैं, कितने लोग पकड़े हैं? एक सूचना मिली थी कि नई सड़क पर एक हाइपर सुपरमार्केट है, कि उस बिल्डिंग में ऊपर जो है कोई लोग पार्टी कर रहे हैं और जो हुक्का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सूचना पर नौचंदी पुलिस और दूसरे थानों की पुलिस द्वारा इकट्ठा संयुक्त रूप से दबिश दी गई, तो वहाँ पर जो है कुछ लोग हुक्के का इस्तेमाल करते हुए मिले हैं। वहाँ की तलाशी ली गई तो कुछ लोगों पर वहाँ पर कोई नशीले पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं और बाकी काफ़ी संख्या में लोग थे, जिनकी संख्या 50 के आसपास है। तो ये सभी लॉकडाउन का उल्लंघन करके वहाँ पर पार्टी कर रहे थे और कोई रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। पहले दिन तक वो रेस्टोरेंट उत्तराबुलन में था जो लड़काई किला है, तो सबको गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध जो है उसी हिसाब से जो जो है कार्रवाई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें पूर्व प्रधान शाहजहांपुर के जो हैं उनके लड़के भी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। हाँ, कई लड़के हैं उसमें, सब चीज़ें आ जाएंगी उसमें। उनका कहना है कि कोई बर्थडे वर्थडे मना रहे थे, कोई पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। उसका कहना है कि रेस्टोरेंट भी खोलने वाले थे, उसकी तैयारी कर रहे थे इसी बिल्डिंग में, किराए वराए पर दिया जाने बताया। लड़कियाँ भी साथ थे कैसे? नहीं, वहाँ पर जो मेरी सूचना है उस पर लड़की कोई नहीं थी, केवल लड़के ही थे, युवक हैं अधिकतर। किन धाराओं में सर मुकदमा पंजीकृत जी? किन धाराओं में? धाराओं में जो है जो जो बरामद की हुई उसके हिसाब जो धारा बनी है उसमें मुझे मुकदमा पंजीकृत किए जा रहे हैं। अभी फर्द बन गई है, वहाँ पर मौके फर्द बनी है, तो यहाँ पर उसमें अभी लोग पंजीकृत किए जा रहे हैं अनुसार। सर, इसमें कुछ लड़के लड़की का फोटो वगैरह जो है वो उसी रेस्टोरेंट के हैं? नहीं, मैंने देखे नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमारी जो सूचना उसमें लड़की का होना नहीं पाया गया किस तरीके का। हाँ, लॉकडाउन का उल्लंघन भी है, बाकी नशीले पदार्थों का सेवन भी है, नशीले पदार्थों की वहाँ से मिले हैं, अवैध असलाह भी मिले हैं, सब उसी धाराओं में। हाँ बिल्कुल, अगर इसमें आप लोगों से पूछताछ की जाएगी और उसमें कोई नई चीज़ें प्रकाश में आती हैं, अन्य कोई चीज़ें, तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए M4G न्यूज चैनल। नमस्कार।